नारायण नारायण, हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें। नारायण 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 का उद्घोष जहां, राम राम मधुर धुन वहां। नारायण नारायण। आदरणीय भाइयों और बहनों, आप सभी में विराजित उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को मेरा शत शत नमन। गुरुदेव से प्रार्थना कि अपना आशीर्वाद भरा हाथ मेरे मस्तक पर रखें और माँ सरस्वती से निवेदन कि मेरे कंठ में विराजित हो, ताकि प्रकृति जो संदेश, नारायण जो संदेश मेरे माध्यम से आप सभी तक पहुँचाना चाहते हैं, उसे मैं सही तरीके से आप सभी तक पहुँचा सकूँ। नारायण नारायण। थाम लीजिए अपना हाथ और हमारी नारायण प्रार्थना। हे नारायण, आपका धन्यवाद है, आप हर पल हर क्षण हमारे साथ हैं, इसलिए आज का दिन हमारे जीवन का सर्वोत्तम दिन है, सर्वश्रेष्ठ दिन है। प्यार, आदर सम्मान, प्रशंसा, जैकपॉट और गुड न्यूज़ से भरा हुआ। थमा दीजिए अपना हाथ नारायण के हाथ में और बोल दीजिए नारायण नारायण, नारायण नारायण। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगी हमारे नारायण देखी सत्संग परिवार का, जिन्होंने इतने सुंदर मन को भाने वाले प्रोग्राम की प्रस्तुति दी। तहे दिल से धन्यवाद है, धन्यवाद है, धन्यवाद है। अब अपनी बात। आज का सत्र आपसी संबंधों के बाबत है। मैंने अपने 27-28 साल के समाज सेवा के कैरियर में जो देखा, जो समझा, वो ये कि व्यक्ति धन की कमी, बीमारी या विपरीत परिस्थितियों से इतना आहत, परेशान और दुखी नहीं होता जितना आहत, परेशान और दुखी वो आपसी संबंधों में दूरियाँ, गलतफहमियाँ और मतभेद पैदा होने पर होता है। आज का ये सत्र नारायण शास्त्र नामक ग्रंथ में जो सूत्र दिए गए हैं आपसी संबंधों को मजबूती प्रदान करने के लिए और साथ ही साथ खुशहाल जीवन जीने के लिए, क्योंकि ये तो निश्चित है कि हमारे सुखी जीवन की नींव आपसी संबंधों पर आधारित है, निर्भर है। सो हम कैसे अपने आपसी संबंधों को मजबूत करें और एक खुशहाल जीवन जिएं, वो आज हम नारायण शास्त्र के माध्यम से जानेंगे। नारायण नारायण। अध्यात्म मिश्र राघव लिखते हैं, उसके पहले एक बात कि जो भी सूत्र आप तक पहुंचेंगे वो सूत्र नर नारी, हर एज ग्रुप और हर एक संबंधों पर समान रूप से लागू होते हैं। वो संबंध चाहे पति पत्नी का हो, भाई बहन का हो या दो दोस्तों की दोस्ती का हो, हर एक व्यक्ति पर ये सूत्र समान रूप से लागू होते हैं। अध्यात्म गुरु मिस्टर राघव, जो कि नारायण शास्त्र के रचयिता हैं, लिखते हैं कि संबंध, जब जीवन में आपसी संबंध मजबूत होते हैं तब आपके जीवन में होती है बरकत। आपसी संबंध जब आपके घनिष्ठ और मजबूत होते हैं तब आपके जीवन में होती है बरकत। किन चीज़ों की बरकत? धन की बरकत, ध से धन की और स से समृद्धि की। समृद्धि यानी जो भी चीज़ें आप अपने जीवन में पाना चाहते हैं वो आप आसानी से, सरलता से हासिल कर सकते हैं। कब? जब आपके आपसी संबंध घनिष्ठ और मजबूत होते हैं तब। आइए आगे बढ़ते हैं मिस्टर राजन के माध्यम से।
मिस्टर राजन लिखते हैं कि मेरा जन्म एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ और मैंने अपने जीवन के 26 साल एक मुंबई के एक साधारण से चौल में बिताए। हमारी आर्थिक स्थिति बेहद कमज़ोर होने की वजह से मुझे अपने कॉलेज की पढ़ाई की व्यवस्था खुद ही करनी होती थी, जिसकी व्यवस्था मैं सोसाइटी के बच्चों को ट्यूशन पढ़ा कर किया करता और यदा कदा मुझे समर वैकेशन जॉब भी मिल जाया करता, जिसकी भी मेरी मदद हो जाया करती। लिखते मिस्टर राजन कि मैं जिस कॉलेज में पढ़ता था उसके प्रिंसिपल भी मेरी बहुत मदद करते थे। वे अपने पुराने विद्यार्थियों से कहकर मेरे लिए समर वैकेशन जॉब की व्यवस्था कर दिया करते। उसी के तहत पिछले 2 सालों से मुझे जॉब मिल रही थी। 2 साल पहले मैंने एक सेल्स असिस्टेंट के रूप में कंपनी में काम किया, तो पिछली बार अकाउंट्स असिस्टेंट के रूप में कंपनी में काम किया। यूं तो ये रूटीन जॉब जैसे ही थे, लेकिन पिछली बार मैंने जिस कंपनी में अकाउंट असिस्टेंट के रूप में काम किया था, वहाँ पर एक मिस्टर शिवा नामक व्यक्ति थे जो सेल्स डिपार्टमेंट के हेड थे। मैं उनसे बेहद प्रभावित था और उनसे मिलना भी चाहता था। उनका कैबिन मेरी सीट के नज़दीक ही था और इस तरह के डायरेक्शन में था कि मैं उन्हें आसानी से देख पाता था। मैं काम के बीच बीच में उन्हें निहारा करता, क्योंकि वो एक स्मार्ट पर्सनैलिटी के मालिक थे और नित नए कपड़े पहन कर आया करते थे। और निहारते निहारते कब मैं उनका फ़ैन बन बैठा मुझे खुद को पता नहीं चला। और मैंने मन ही मन ठान लिया कि इस नौकरी के छूटने के पहले पहले मैं उनसे मिलूँगा ज़रूर और उनसे उनकी सफलता का रहस्य जानकर रहूँगा। लिखते आगे मिस्टर राजन कि यूं तो मैं संकोची स्वभाव का व्यक्ति हूँ, लेकिन मेरी उनसे मिलने की प्रबल इच्छा थी। और उस दिन मेरा नौकरी का अंतिम दिन था। मैंने हिम्मत जुटाई, उनके कैबिन तक पहुंचा, धीमे से दरवाज़ा खटखटाया और थोड़ा सा दरवाज़ा मैंने खोल लिया और मैंने भीतर झांका। शायद मेरा इस तरह का व्यवहार उन्हें रास नहीं आया। उनका चेहरा हल्का सा तन गया, लेकिन जब मैंने उन्हें बताया कि आज मैं यहाँ पर कौन हूँ और आज मेरी नौकरी का अंतिम दिन है और मैं उनका ज़बरदस्त फ़ैन हूँ, सिर्फ 5 मिनट के लिए उनसे मिलना चाहता हूँ, सिर्फ 5 मिनट के लिए, मेरे याचना करने पर उन्होंने हामी भर दी। दरवाज़ा खोल के भीतर गया, उन्होंने सामने वाली कुर्सी पर बैठने के लिए कहा, मैं बैठा। लिखते मिस्टर राजन कि मैंने अपने बारे में सारी बातें संक्षिप्त में उन्हें बताई और साथ ही साथ उनसे ये भी कहा कि मैं विज्ञापन के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता हूँ, सो इस बाबत उनकी सलाह भी चाहता हूँ। लेकिन जो उत्तर उन्होंने मुझे दिया उसे सुनकर तो मैं दंग रह गया। वे मुझसे बोले कि तुम ठहरे निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से, तुम्हारा कोई सोशल स्टैंडिंग भी नहीं है, ऐसे में इस क्षेत्र में जाने से तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा क्योंकि तुम इस क्षेत्र में कुछ काम नहीं कर पाओगे, तो ये क्षेत्र तुम्हारे लिए नहीं है। 2 टूक उत्तर था, लेकिन 2 सुंदर एडवाइस उन्होंने मुझे दी जो मेरे आगे जाके बहुत काम आई। पहली एडवाइस उनकी ये थी कि चूंकि तुम कुछ ही सालों में अपने कैरियर की शुरुआत करने वाले हो, तो सबसे पहले एक काम करो कि अपने लिए एक बैलेंस शीट तैयार करो, जिसमें आत्मचिंतन करके, आत्मनिरीक्षण करके, एक तरफ अपने सारे प्लस पॉइंट और दूसरी तरफ अपने सारे माइनस पॉइंट लिखो, और जब पूरी तरह लिख कर हो जाए तो ये चीज़ें अपने किसी नियर डियर को दिखाओ, ताकि उसमें कुछ कम अधिक करना हो तो किया जा सके। और जब फाइनल लिस्ट तैयार हो जाए तो पूरी सिंसियरिटी के साथ जुट जाओ, जितने तुमने माइनस पॉइंट लिख रखे हैं उन सारे माइनस पॉइंट को प्लस पॉइंट में कन्वर्ट करने में। साथ ही साथ उन्होंने ये ज़रूर कहा मुझसे कि ऐसा करने में हो सकता है कि तुम्हारा पूरा जीवन बीत जाए, लेकिन ये निश्चित है कि ये तुम्हें बेहद 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 लाभ देगा। दूसरी बेशकीमती एडवाइस उनकी ये थी कि किसी के भी रहन सहन को देखकर
गाड़ी बंगले को देखकर, चकाचौंध को देखकर उनकी सफलता को जज मत करो। हो सकता है इस धन को कमाने में और इसका उपभोग करने में उन्होंने कई बेशकीमती जीवन मूल्यों को ताक में रखा होगा, कितने गलत काम किए होंगे और साथ ही साथ कितने आपसी संबंधों को ठेस पहुंचाई होगी। तो उन्हें देखकर उनकी सफलता को जज मत करो। और यदि तुम सचमुच में अपने जीवन में सफलता हासिल करना चाहते हो, सचमुच शब्द पर जोर दिया कि सचमुच मेरे जीवन में सफलता हासिल करना चाहते हो, मैंने हामी भरी, तो जवाब था उनका कि आज से लग जाओ अच्छा बेटा बनने में, अच्छा भाई बनने में, अच्छा दोस्त बनने में, अच्छा एम्प्लॉई बनने में, अच्छा बॉस बनने में, अच्छा पिता बनने में। यानी कि शॉर्ट में कहूँ तो जो भी रोल तुम प्ले करोगे उसे तुम्हें ईमानदारी से और सफलता से पूरा अपना रोल निभाना है। ये करने में शायद हो सकता है कि तुम्हारा पूरा जीवन लग जाए, लेकिन ये निश्चित है कि जो खुशी और जो गुडविल तुम्हारी तैयार होगी ये पूरी दुनिया भर की दौलत से इसकी तुलना नहीं की जा सकती। लिखते मिस्टर राजन, जो राजन शिवा के कैबिन के भीतर गया था और जो राजन शिवा के कैबिन से बाहर निकला, इसमें जमीन आसमान का फर्क था। वहाँ से उठते उठते मैंने ठान लिया था कि जैसा शिवा ने कहा है मैं वैसा का वैसा करूँगा, और मैंने करना भी शुरू कर दिया। सिर्फ मैंने एक एडवाइस मिस्टर शिवा की नहीं मानी, वो ये कि मैंने उनके मना करने के बावजूद भी विज्ञापन क्षेत्र में कदम रखा और रूरल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट के रूप में बहुत नाम कमाया। चूँकि मेरी सोशल स्टैंडिंग बेहद कमज़ोर थी तो उसे पाटने के लिए मैं कई समाज सेवी संस्थाओं से जुड़ा, और जिसकी वजह से कईयों से मेरी दोस्ती हुई, और साथ ही साथ मैंने मेरा नाम देश विदेश में भी चमका। लिखते मिस्टर राजन कि मैंने धन चाहे ढेर सारा ना कमाया हो, लेकिन ये निश्चित है कि मेरे गुडविल का खाता हमेशा लबालब भरा रहा। देने का सुख किसे कहते हैं, इसका भी अनुभव मैंने लिया। धन की बाबत जो मेरी सामर्थ्य थी मैंने समाज को योगदान दिया, लेकिन जो मेरे भीतर टैलेंट था उसका मैंने लाभ बहुतों को दिया। आज मेरी उम्र 75 साल की है और जब पीछे मुड़कर देखता हूँ तो सबसे पहले मैं मिस्टर शिवा को नमन करता हूँ, जिन्होंने मेरे जीवन की दिशा और दशा दोनों बदली। और हाँ, इस बात का भी मुझे एहसास है कि मैंने अपना जीवन एक सफलता से भरा और संतुष्टता से भरा जिया। और सबसे बड़ी खुशी मुझे इस बात की है कि मैंने अपने पूरे जीवन में, खासकर मिस्टर शिवा से मिलने के बाद, एक भी गलत काम नहीं किया, बेशकीमती जीवन मूल्यों को ताक में नहीं रखा और न ही किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की ठेस पहुंचाई। शायद इसलिए इस उम्र में भी मैं एक सुखी और स्वस्थ जीवन जी रहा हूँ। यही मेरी खुशहाल जीवन का रहस्य है। नारायण नारायण। ये था मिस्टर राजन के खुशहाल जीवन का रहस्य। अब आगे जानते हैं मिस्टर राघव, जो कि नारायण शास्त्र के रचयिता हैं, क्या कहते हैं। नारायण शास्त्र के रचयिता राघव लिखते हैं कि जैसा कि राजन ने कहा कि अपने जीवन की बैलेंस शीट बनाएं और अपने प्लस और माइनस पॉइंट उसमें लिखें, उसके बाद जितने भी माइनस पॉइंट आपके हैं उसे कन्वर्ट कर दें प्लस पॉइंट में। साथ ही साथ मिस्टर शिवा ने ये भी कहा कि ऐसा करने में हो सकता है कि पूरा जीवन लग जाए। ये सुनते हैं इस बाबत अध्यात्म मिस्टर राघव क्या कहते हैं। राघव कहते हैं कि जैसा कि मिस्टर शिवा ने कहा कि एक बैलेंस शीट बनाएं और प्लस माइनस पॉइंट उसमें लिखें, और उसके बाद पूरी सिंसियरिटी के साथ
अपने माइनस पॉइंट को प्लस पॉइंट में कन्वर्ट करने में लग जाएं। और साथ में शिवा ने ये भी कहा कि हो सकता है कि ऐसा करने में पूरा जीवन बीत जाए, लेकिन मिस्टर राघव लिखते हैं कि आपका पूरा जीवन इस माइनस को प्लस करने में नहीं बीतने वाला। आप पूरा जीवन तो इसका सुख भोगेंगे जिन पॉइंट को आपने माइनस पॉइंट्स को प्लस में कन्वर्ट किया है। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने लिस्ट में लिखा कि मैं देरी से उठता हूँ, ये मेरा माइनस पॉइंट है। मैं व्यायाम नहीं करता हूँ, ये मेरा माइनस पॉइंट है। वॉक नहीं कर पाता हूँ, मेडिटेशन नहीं होता मुझसे, या अनहेल्दी फूड खाता हूँ एट्सेट्रा, ये माइनस पॉइंट की आपके लिस्ट। पर ध्यान रहे, जब जैसे हमने एक माइनस पॉइंट पर काम करना शुरू किया, फॉर एग्जांपल सबसे पहले हमने काम करना शुरू किया कि हम जल्दी उठेंगे, आपने एफर्ट डाल के जल्दी उठना शुरू किया और हमारे शरीर का सिस्टम इतना व्यवस्थित है, इतना सुंदर बनाया है ईश्वर ने कि कोई भी नई आदत जब हमें अपने भीतर ढालनी होती है तो 21 दिन का समय लेती है। 21 दिन यदि कोई कार्य आप निरंतर करते हैं तो आपको उस काम को करने की आदत पड़ जाती है और अधिकाधिक आपको 40 दिन लगते हैं। आप जब जल्दी उठना शुरू कर देंगे तब आपका मन करेगा कि मैं व्यायाम करना भी शुरू कर दूं, धीरे धीरे वॉक भी शुरू हो जाएगी आपकी, इसके साथ साथ आप मेडिटेशन करना, ये सब करना ऑटोमेटिक लाइनअप होता जाएगा।